हेलो जी, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भाई, जाटनी फैमिली व्लॉग में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। भाई, सूट सिल लिया ड्रेस का। आज थोड़ी जल्दी दुकान खोल दी शाम के टाइम, और इसलिए क्योंकि देना है सूट किसी का। कल सैटरडे है ना, तो कल वाइट ड्रेस चाहिएगी भी। और कई दिन से आ रहा था सूट सिलने आना, और इसका थोड़ा सा बस हाथ का काम रह रहा है। कुर्ती वैसे पूरी तैयार कर दी है, तुरपाई तुरपाई रह रही है थोड़ी सी। और देखो, पहले आपको दिखा देती हूँ, ये देखो कॉलर बैन वाला गला बनाया है। यहाँ पे मैंने ना चिट बटन लगा दिया, अंदर दिखाई भी नहीं देंगे ये। वैसे तो बटन लग रहे थे उनके में, लेकिन मैंने चिट बटन लगा दिए। और ये देखो, यहाँ पे ऐसे पट्टी भी लगा दी मैंने, क्योंकि ये चुन्नी वगैरह जैसे स्कूल में यहाँ से जाती है ना चुन्नी, तो पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये इस पट्टी के नीचे ही दब जाएगी। स्कूल की यूनिफॉर्म की कुर्ती सिल ली है भाई। देखो, कनक की भी सिलनी है, अगर कनक पहन जा पैंट, इसकी भी काफ़ी दिन से कटी हुई रखी है। और ये एक बार तो कह रहे थे ज़रूरी है, और सूट पहनना और फिर पैंट शर्ट ये अलाउ कर दी, तो इसीलिए फिर मैंने वो रख दिया। आपने पता है मैं जितनी आड़कसी हूँ, फिर मैं और आगे सिम में जाऊँ। हर कनक के रखे हैं कोड़े में कटे कटाई। 1 साल से कनक बोल रही है भाई बीच बीच में, क्योंकि इसने ना थोड़ा सा जल्दी रह आ करे। अगर सूट या कोई भी कपड़ा हो, नई ड्रेस हो आई है, तो मतलब सब नहीं रहा अगर मेरे के हिसाब से। तो अब बस सिल गया, या कोई भी नई ड्रेस जैसे रेडीमेड लेकर आऊँ तो फटाफट बस पहनने का मौका चाहिए। लेकिन मैं हूँ दूसरे टाइप की। मैंने खड़े नहीं ना, तो वही 5 सूट सिल लिए अपने, है ना? 5 हो गए होंगे ना, 5 हो गए होंगे भाई मेरे, ज़रूर 5 सूट मतलब तैयार कर लिए मैंने अपने। और मैंने सारे ना मतलब तय में लगा रखे हैं। अब वही कहीं जाएंगे तो पहनूंगी, कहीं मतलब जाना पड़ जाए तो। फिर वो है भाई, फिर पुराने पुराने पहरे जाओ तो उसमें फिर मैंने मत जाना आता। घर में तो देखो, मैंने घर तो बाहर की तो जाना ना होता, दुकान दुकान में रहना होता है। और घर में तो देखो, मैंने इसे नॉर्मल से जिसे मैं पहन रही ना, ये मैंने इस कपड़े के ही अच्छे लगे हैं, ना ज़्यादा हैवी वर्क ना ताम जाम ज़्यादा। जो पुराने मेरे पास पहले के रखे ना, जो पूरे घिस चुके हैं ताम जाम वाले, वे तो बेशक मैं पहन लूँ, नहीं तो वैसे मैं सिंपल है सोवर सूट पहन कर आज ही रहा करूँ, सिंपल चुन्नी वाले। और ज़्यादातर तो आपने पता है, देखते भी हो गया वीडियो में, सूट की साए और चुन्नी की सिए इस तरह ओढ़े रहा करूँ घर में। तो मैं मतलब स्टॉल ओढ़े रहूँ भाई, 5-4 स्टॉल ले रही हूँ वे मैं, हर एक सूट पे वो कर ली हूँ। क्योंकि देखो, काम करते आना ना, वो चुन्नी ना संगवान में बड़े दुखी हो जाऊँ फिर मैं। काम करते करते पसीने इतने आ जाए, फिर बार बार मैं मुँह पूछण थी, तो इसलिए फिर मुँह पूछण थी चुन्नी तक कौन है सेटिंग बनती। और फिर ना सुट्टा के साथ जो चुन्नी आती है ना, उसको जितना ज़्यादा धोओगे ना, उतनी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी वो, तो इसलिए मैं सूट के साथ की चुन्नी मतलब कई बार ओढ़ के और जब धोया करूँ, क्योंकि मेरी गंदी है कम हो यार। मैं जैसे घर से बाहर कहीं जाऊँ, या जैसे अब ओढ़ रही हूँ जैसे सिंपल सी है, तो ऐसे तो बेशक ओढ़ लूँ, नहीं तो ज़्यादा हैवी तो बाहर ही जाती हूँ तभी ओढ़ती हूँ। अदरवाइज़ वो रखी रहती है चुन्नी, या पार्टी वेयर सूटा के लिए कहा करो भाई, हैवी हैवी सी चुन्नी में। चुनिया का मेरा ज़्यादा खर्चा ना है वैसे, हैवी सूट ले लूँ ना कोई हैवी चुन्नी के, वे मेरे वैसे भी जैसे थान वान पर कोई कुर्ती वगैरह सिलूँ ना, उन पर भी कंट्रास्ट मैच कर लिया करूँ मैं, तो मैं मैच कर कर का सूट बनाती रहा करूँ। यही सा है भाई, सबका देखो अलग अलग वो है, किसी की पसंद किसी है। बहुत सी मैंने लेडीज़ देखी हैं, अगर बस जैसे आज सूट खरीद लिया है तो बस 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वो सिल के चाहिए तैयार, और फिर सिल गया है तो अगले दिन न पहनना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन वो पहनना है बस जल्दी से जल्दी। सबकी आदत अलग अलग होती है ना भाई, लेकिन मेरी आदत बिल्कुल अलग है। मैं तो घर से बाहर जैसे कहीं जाती हूँ ना,
तो एक दो बार तो जैसे कोई भी सूट हो, ज़्यादातर यही सोचती हूँ भाई मैं कि आने जाने में ही रखूँ, उसके बाद डेली वेयर में निकाल लूँ उसको। क्योंकि देखो कोई भी सूट हो या मतलब इतने डेली यूज़ के तो कम में सिल रहे हैं, वैसे सूट ज़्यादा सिल रहे हैं। दो चार बार पहनते कपड़ा अपना पता है, कॉटन हो या कोई भी कपड़ा हो, ज़्यादातर धुपते कपड़े की शाइनिंग सी चली जा मतलब, तो इसलिए थोड़े से ही से होने चाहिए। मैं डेली यूर के कपड़े कमर सिल कर राजी रहा करूँ, वे डेली वेयर के आप हो जाए, आन जाने के सिल हैं, उन्हें दो चार बार पहने वे बस हो गए डल से, वे घर पे पहनने के मतलब के हो जाए, फिर वे बाहर भी इतना पहरे जाते जी। तो इसलिए ना बहुत सारे हो जाए ऐसे सूट जो घर पे पहनने के हो जाए, इसलिए स्पेशल मतलब अलग से नहीं सिलती मैं, घर पहनने के अलग हूँ और आने जाने के अलग हूँ, मैं आने जाने के ही करके सिलती हूँ सारे सूट। अभी पहले मैं आन जान में पहन लूँ, क्योंकि मेरा काम भी आपने पता है शॉप का है, दुकान का सामान वगैरह ले आना, धूप में घूमना फिरना या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ भी ज़्यादा हैवी कपड़ा नहीं पहनना जाता भाई, तो उसी हिसाब से मैं अपने कपड़े सिलती हूँ भाई। दुकान में तो देखो मेरी में आपने भी देखे होंगे इतने हैवी हैवी वर्क के भी हैं और वैसे भी हैं, लेकिन देखो सबके अपने अपने वो है। और भाई मैंने एक क्लिप सुबह की निकाली है, वो मैं इस वीडियो में डालूंगी, आप देखना उसमें बंदरा ने ना इतना उदमस्तार रखा है, और कनक के पापा ने उस तक कचरे वचरे और बेरा ने केक केक टमाटर बेरा ने केक केक खवा दिया ठीक है, और इतना उदमस्तार रहे हुए बंदर है, ओह सारा दिन उनने बड़ा वो रखा है सिर में दर्द, क्यों उन दस सुबह खाणती दे दिया और फिर तवे तिल लेंगे, और मैं मना कर रही थी सुबह, और वे जंगले ना खोल खोल के दकाओ थे भाई, तो वही बात है फिर ना डटिया जाता मेरे जिसी थे भी ना डटिया जाता, फिर इसके पापा काट काट कर कितना कचरे दे है उसने, कितना खीरे दे है, कितना टमाटर खवान लाग रहा है, और वे कति सही हिला दिए अड़े, हाँ काट कर खवाए थे तेरे पापा ने, कनक नु कहा काटन की क्या जरूरत थी, इस तरह दे देते, आम भी दिया था तेरे पापा ने बंदर के हाथ में दे था, उस बंदर तक पकड़ा ना गया, वो हाथ में छुटके नीचे गिर गया, मैंने वहाँ क्लिप काट रखी है, दिखाऊंगी मैं वीडियो में डालूंगी। अरे इसी बढ़िया तरिया जंगले अंदा कहाँ थे भी, मैंने वीडियो बना रखी उनकी, और तुलसा ने पाड़ के भाई अगर गमले में तुलसा हो रही हैं कई सारी, उड़े खाएंगे और उड़े नुकसान करेंगे, इन चीज मतलब ना बंदरा तो देने का नहीं धर्म को ना बस, ना तो ऊँ तो गेर दे हैं ऊँ तो हम देखो हम कहीं तीर्थ स्थान पर जहाँ और कितने भी जहाँ जैसे आपने देखा होगा कहीं जंगल जाते हैं शनिदेव मंदिर पर जहाँ जैसे कोकिला वन में, वहाँ पे तो भाई इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं बहुत तगड़े, आप कितने खवा लो और कति भूखे मरे, जहाँ हमने आप तो वीडियो में दिखाए भी थे, तो वहाँ पे भी भैया हम देखो खिला काम है ना, खिला तो देखो यहाँ पे भी देते हैं सभी दे हैं बंदर जमा हो कोई कुछ करें, अगर जैसे ही वो हम अपने घर के आगे खिलाओ ना तो फिर वे इसे हिल जाए, नुकसान भी करें फिर भी मौका लागते ही दबे अंदर पाऊंगे, और फिर यूं ना है खाने खाने की चीज़ा न छेड़े, चाहे उनके काम की है चाहे ना है, वो सब कहेगा काम तमाम कर दे हैं, एक बेड शीट फाड़ दी उस पर बिछा दिया आरती में फोल्ड करके, और भाई फाड़ दी सिंगल बेड की थी उसका कर दिया काम अच्छी मतलब बहुत दूर में कर दिया उसमें गट्टा, बताओ उन बेड शीट में तभी के काटे थे भी, लेकिन उन्होंने ना वही बात है नुकसान करने का मतलब है और किसी चीज़ का मतलब ना है। और देखो दक्ष का सोना देखो मैं आप तक दिखाऊंगी, दक्ष देखो ये देखो दुकान में लेट गया, इसकी तबीयत ही दाऊँ मतलब सही सी ना हुई है, इसने आज के दे रखा था कना किस तो बनाना किस चीज़ की वो एक टॉपिक ले रहा था, उसमें फिर हमने लिया था डस्टबिन, डस्टबिन में हमने लिक्विड का अलग बनवाया था और सॉलिड का अलग बनवाया था, कनक तय ना होता दक्ष दे रखी थी भाई प्लास्टिक बोतल्स का, दक्ष को दे रखी थी भाई एक्टिविटी
ने बनवाई थी? बता बेटा केक के बनाया था? प्लास्टिक बोतल काट के फिर उनके बाद पेपर टाइप करा था पेस्ट और फिर उनको बनाई थी। वो कनक ने मतलब सहयोग कराया है बनाने में। दक्ष अकेला तो बना नहीं सकता भाई, तो इसीलिए दक्ष के साथ कनक को लगना पड़ता है। ज़्यादा काम कनक करती है, थोड़ा बहुत हेल्प जो कर कोई चीज़ देनी हो देखता रहता है भाई, इसीलिए मैं इसको साथ ही बिठा देती हूँ, दूर नहीं जाने देती हूँ। देख ले भाई मौसम कति खराब हो गया, आवाज़ आ रही है बादल गरजने की, एकदम तो पता नहीं क्या होया, आंधी सी आ गई और फिर हो गया मौसम खराब। थोड़ा सा छिड़का भी कर दिया राम जी ने, बरसा दिया, आंधी दबकी थोड़ी सी, ना तो सारे घर में रेत रेत हो जाता। थोड़ा बहुत तो फिर भी हो ही गया, एकदम तो पहले आंधी आई थी ना, सारे घर में रेत सा हो गया ऊपर तो, क्योंकि ऊपर ना देखो जैसे सामने दिखाई दे रहा आपने जाली का दरवाजा, ऐसे ऊपर है इसी जगह पे जिन्ने के पास, और वहाँ पे ना ऐसे काट का दरवाजा नहीं लगवा रखा, खाली जाली का लगवा के छोड़ रखा हमने, और यहाँ पे दोनों लग रही हैं। नीचे तो भाई सामान देखो कम में है, यहाँ गेट में कहा जा इस बात ही वही है, चटाई लगवा रखी हूँ तुमने तो, ये देखो एक आधी गेर भी रखी आधी बना हटा दी, मेरा रेत सा हो गया बस। और दक्ष कर रहा है बैग साफ अपना झाड़ झाड़ के, और अपना सुबह के लिए लगाएगा कॉपी किताब बैग में, चिपका ले इसको गोंद से चिपका ले। और नीचे भी ये कूलर रख रखा है, और आज इब्बे नीचे बैठे हैं, आज पानी भी आएगा और लाइट गई, आपने पता है ये आंधी आते ही लाइट पहले चली जा है, और लाइट गई भाई, ये नीचे बैठे हैं। हम सोच रहे मगर इसका पापा भी आ जाएगा थोड़ी देर में, और खाना हमने शाम ने लेट खाया था, दुकान खोलने से पहले खा लिया था, तो अभी भूख नहीं है। इसके पापा आएंगे ना जब सब का इकट्ठा बना देंगे, सब्जी बनी धरी है भाई, ये तो हमारा डेली का रूटीन भाई देख लो, सुबह का तो मैंने इसमें कुछ शूट नहीं करे आज। छोटा सा घर है वैसे तो, पर ठीक है हमारे लायक भाई, इसे छोटे सा परिवार है हमारा, नहीं घर यहाँ तो ना बैठे हुए सारे आते जाते दिखे जाए जाली के दरवाजे में, कह सही मतलब जी सा लग गया, चलती गली है बिल्कुल, ये सामने आपने बिल्लू बिल्लू दिखता होगा, ये यहाँ पे दुकान है हमारे पड़ोसिया की, फिर तो नटा दी ना तो दिन में तो भरे भरे ऐसा दिखे जाए, रखे खिलौने वगैरह टंगे रहे यहाँ पे। और वीडियो ना भाई लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ना चलाते लाइक कर दिया करो, फिर भूल जाओ सारी जनी, तो इसलिए जब वीडियो देखते हो ना तभी लाइक कर दिया करो साथ के साथ। आगे का दिखाऊंगी भाई नेक्स्ट व्लॉग में, बादल बहुत तेज गरज रहे हैं देखो, बरसता है नहीं, थोड़ी ही बारिश करी है बस, थोड़ी बूंद गिर दी, अब बस रेत सा उड़कर अंदर ना हो। और बताइयो भाई किस किस के उधर मौसम खराब होया, अब हमारे ऐडा होया, कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरे को। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।